नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त यूपी के प्रयागराज से मिल रही है। कुख्यात अब्दुल कवि को सरेंडर किया गया है। कुख्यात अब्दुल कवि ने सरेंडर किया है। 18 साल से फरार था अब्दुल, 1 लाख का इनामी था घोषित। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया है अब्दुल कवि ने सरेंडर किया है लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में। राजूपाल हत्याकांड का आरोपी है अब्दुल कवि और 18 साल से फरार चल रहा था, और जिसके बाद आज लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में अब्दुल कवि ने सरेंडर कर दिया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 18 साल से फरार चल रहा था आरोपी अब्दुल कवि और इसको लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में इसने सरेंडर किया है। 1 लाख का इस पे नाम घोषित था। राजूपाल हत्याकांड का आरोपी है अब्दुल कवि। अतीक अहमद का खास गुर्गा अब्दुल कवि, इसने सरेंडर कर दिया है। तो राजूपाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है ये। अब्दुल कवि ने लखनऊ के सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया है। 18 साल से फरार चल रहा था, पुलिस ने इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। राजूपाल हत्याकांड का आरोपी अब्दुल कवि, अतीक अहमद का बेहद खास गुर्गा, ये देखिए इसको इसने सरेंडर कर दिया है लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में। तो कुख्यात अब्दुल कवि ने सरेंडर कर दिया है। राजूपाल हत्याकांड का आरोपी अब्दुल कवि लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया है। इसने 1 लाख रुपए का इनाम इस पर घोषित था और जिसके बाद उसने आज सरेंडर कर दिया लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में। तो राजूपाल हत्याकांड का आरोपी है अब्दुल और इसने लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कुख्यात अब्दुल कवि ने सरेंडर किया है लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में। 18 साल से दरअसल अब्दुल फरार चल रहा था। एक लाख का इनाम इस पर घोषित था और लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में इसने सरेंडर किया है। अब्दुल कवि कुख्यात आरोपी, राजूपाल हत्याकांड का आरोपी है अब्दुल कवि, अतीक अहमद का छर्रा, अतीक अहमद का गुर्गा, जिसने सरेंडर किया है लखनऊ में सीबीआई कोर्ट में। एक लाख का नाम इस पर घोषित था और पिछले 18 साल से फरार चल रहा था। जब से राजूपाल की हत्या हुई तभी से आरोपी फरार था। पुलिस इसके ढूंढने की कोशिश लगातार कर रही थी लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे 18 साल से। चंदन वर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। चंदन, अब्दुल कवि ने सरेंडर कर दिया लखनऊ सीबीआई कोर्ट में, फिलहाल क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट चंदन? देखिए शिवम, मैं आपको बता दूं, 2006 में बसपा विधायक राजूपाल की हत्या कर दी गई थी। वो हत्या बाहुबली माफिया अतीक अहमद के गुर्गों ने किया था, जिसमें 18 साल से ये जो अब्दुल कवि है ये फरार चल रहा था। ये लगातार पुलिस को चकमा देता हुआ नजर आ रहा था और आज लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में इसने जो है आत्मसमर्पण किया है। इससे पहले कौशाम्बी पुलिस ने इसके भाई अब्दुल कादिर को जो है जेल भेजा था। हालांकि जो राजूपाल हत्याकांड में जो आरोपी थे ये 18 साल से पुलिस को जो है चकमा देते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन पुलिस इनकी लगातार इनको ढूंढ रही थी और इनके लिए दबिश दे रही थी, लेकिन ये पुलिस के हाथ नहीं लगे। इन्होंने जो है सबसे पहले कौशाम्बी पुलिस ने इसके घर पे छापा मारा। वहाँ पर जो है दर्जनों की संख्या में अवैध असलहे बरामद हुए, जो कारतूस है वो बरामद हुआ। उसके बाद इसका जो भाई है अब्दुल कादिर उसको जेल भेजा कौशाम्बी पुलिस ने। उसके बाद आज अब्दुल कवि जो है लखनऊ के सीबीआई कोर्ट में जाकर आत्मसमर्पण किया है। जी, इसके साथ ही काफी समय से फरार चल रहा था, सीबीआई का पुलिस का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया इस पूरे मामले को लेकर?
देखिए पुलिस का जो स्टेटमेंट आया है तो साफ तौर पे जो ये पुलिस का स्टेटमेंट आया उनका साफ तौर पे ये कहना था ये लगातार पुलिस को जो है गुमराह कर रहा था। इसकी लोकेशन कभी कहीं दिखाती थी कभी कहीं दिखाती थी। 18 साल बाद उसके बाद इसके ऊपर 1 लाख का जो है उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसके ऊपर इनाम भी घोषित किया था। उसके बाद आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के CBI कोर्ट में अब्दुल कवी पहुंचा पुलिस को चकमा देकर और वहां उसने आत्मसमर्पण कर दिया जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चंदन, तमाम सारी जानकारी के लिए अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, नजर आप बनाए रखिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो अब्दुल कवी को गिरफ्तार किया गया है, 18 साल से फरार चल रहा था अब्दुल कवी, राजूपाल हत्याकांड में आरोपी है, 1 लाख का इनाम था इस अब्दुल कवी पर। अतीक अहमद का गुर्गा है, अतीक अहमद का छर्रा है और अतीक अहमद के कहने पर इसने राजूपाल की हत्या को अंजाम दिया था। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम झटका लगा है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका अब्दुल्ला आजम को, हाई कोर्ट जाने को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा है। विधायक रद्द मामले में अब्दुल्ला आजम ने याचिका दायर की थी। दरअसल आजम खान के बेटा का बेटा है अब्दुल्ला आजम और रामपुर की स्वार सीट से विधानसभा की सदस्यता चली गई थी और इसी को लेकर हाईकोर्ट गया अब्दुल्ला आजम, लेकिन हाईकोर्ट जाने को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी अब्दुल्ला आजम के वकील की ओर से और विधानसभा की सदस्यता को बहाल करने के लिए कहा था, लेकिन अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से झटका और सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए कहा हाईकोर्ट जाइए। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करेगा आजम खान का बेटा अब्दुल्ला आजम। और मथुरा से खबर, जहां पर शाही ईदगाह के अमीन सर्वे पर रोक लगी है, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कोर्ट ने स्टे दे दिया है, 11 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। मथुरा शाही ईदगाह के अमीन सर्वे पर रोक लगा दी गई है, बड़ी खबर बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कोर्ट ने स्टे दिया है, 11 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई की बात कही है। शाही ईदगाह के अमीन सर्वे पर रोक लगा दी गई है, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कोर्ट ने स्टे दे दिया है, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कोर्ट ने स्टे दिया है, बड़ी खबर बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। 11 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। शाही ईदगाह के अमीन सर्वे पर रोक लगा दिया गया है, 11 अप्रैल को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। शाही ईदगाह के अमीन सर्वे पर रोक लगा दी गई है, 11 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कोर्ट ने स्टे दिया है और अब 11 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होनी है। मथुरा से खबर, शाही ईदगाह के अमीन सर्वे पर रोक लगा दी है, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कोर्ट ने स्टे दिया है और अब 11 तारीख को मामले की अगली सुनवाई की बात सामने आ रही है। मनोहर पटेल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोहर, शाही ईदगाह के सर्वे पर रोक लगाने की बात कही गई है, क्या जानकारी फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैं बता दूंगा, सिविल जज सीनियर डिवीजन ने आज जो कि मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र पर स्टे ऑर्डर दिया। मैं आपको बता दूं कि विष्णु गुप्ता जो कि दिल्ली निवासी है, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान अमीन सर्वे रिपोर्ट की जो की मांग रखी गई थी, जिस पर सिविल जज डिवीजन ने आदेश दिया था और जिस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई थी, उसके बाद में आपत्ति पर सुनवाई हुई और फिर जो कि कोर्ट ने अपना फैसला जारी रखा और अमीन सर्वे के लिए आदेश अमीन को दे दिया। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही अमीन को आदेश मिला था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने एक प्रार्थना पत्र दिया जिस पर मुस्लिम पक्ष स्टे लेने में कामयाब रहा थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनोहर तमाम सारी जानकारी के लिए। 11 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। मथुरा से खबर है, जहां पर शाही ईदगाह के अमीन सर्वे पर रोक लगाई गई है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कोर्ट ने स्टे दिया है
उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत अलग अलग विभागों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ सभी चयनित युवा कार्मिकों का अभिनंदन उन्होंने किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले भर्तियों में भ्रष्टाचार इस कदर था कि जो योग्य नहीं था वो आयोग का अध्यक्ष होता था। बता दें कि आज लोक भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी ने 795 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की बदली हुई छवि पर भी बातें की। बैडमैन के नाम से मशहूर अभिनेता और निर्माता गुलशन ग्रोवर के बेटे संजय ग्रोवर ने हॉलीवुड स्टूडियो MGM लॉस एंजल्स में टी सीरीज की एंट्री करा दी है। बता दें कि संजय ग्रोवर ने हॉलीवुड के जाने माने निर्देशक तरसेम को भूषण कुमार और प्रोड्यूसर्स वखाऊ फिल्म से परिचय कराया है। इसके बाद भूषण कुमार ने बॉलीवुड से बाहर निकलकर हॉलीवुड के लिए काम करने का मन बना लिया है। इस मौके पर संजय ग्रोवर ने बताया कि तरसेम उनके पसंदीदा निर्देशक हैं और अब उनके टी सीरीज और वकाऊ फिल्म्स जैसे निर्माताओं के साथ साझेदारी करना वास्तव में बहुत ही रोमांचक है। तो संजय ग्रोवर ने हॉलीवुड में एंट्री कराई है टी सीरीज की। गुलशन ग्रोवर के बेटे हैं संजय ग्रोवर और टी सीरीज की एंट्री अब हॉलीवुड में हो चुकी है। पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि उनकी लोकसभा क्षेत्र में बिन मौसम बरसात ने गेहूं की फसल बर्बाद कर दी है और ऐसे में अन्नदाताओं को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, जिसके लिए आपसे आग्रह है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र का संज्ञान लेकर नुकसान का आकलन कराकर उचित मुआवजा दिलाएं। बेमौसम बारिश से किसानों को नुकसान हुआ है, ये खबर आपको बता रहे हैं, जिसके चलते मुआवजे की मांग सामने आई है। वरुण गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर किसानों को राहत राशि प्रदान किए जाने की बात कही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को ट्वीट करके समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख की मौजूदगी से मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम नारे को लेकर रामचरितमानस विवाद वाले सपा नेता पर मुकदमा होने की खबर आज सुर्खियों में है। वास्तव में यूपी के विकास और जनहित के बजाय जातिवादी द्वेष और अनर्गल मुद्दों की राजनीति करना सपा का स्वभाव रहा है और यह हकीकत लोगों के सामने बराबर आती रही है कि सन 1993 में मान्यवर श्री काशीराम जी ने सपा बसपा गठबंधन मिशनरी भावना के तहत बनाई थी, लेकिन श्री मुलायम सिंह यादव ने गठबंधन का सीएम बनने के बावजूद उनकी नीयत पाक साफ न होकर बसपा को बदनाम करने और दलित उत्पीड़न को जारी रखने की रही। वहीं उन्होंने आगे कहा कि इसी क्रम में उस दौरान अयोध्या श्री राम मंदिर और अपरकाष्ट समाज आदि से संबंधित जिन नारों को प्रचारित किया गया था वे बीएसपी को बदनाम करने की सपा की शरारत और सोची समझी साजिश थी। अतः सपा को ऐसी हरकतों से खासकर दलितों और अन्य पिछड़ों और मुस्लिम समाज को सावधान रहने की सख्त जरूरत है। यूपी सरकार ने फिरोजाबाद में सड़कों पर अतिक्रमण न हो इसके लिए सख्त निर्देश दिए हैं। बता दें कि निर्देश मिलते ही उपजिला अधिकारी क्षेत्र अधिकारी नगर पालिका प्रशासन की टीम ने शिकोहाबाद नगर के तहसील के तिराय से लेकर सुभाष चौराहे तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है, जिससे सड़क पर हो रहे अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बताया जा रहा है कि कई प्रतिष्ठानों के चालान किए गए। और चलिए बात मैनपुरी की कर लेते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री आवास न मिलने से दिव्यांगों में नाराजगी है, जिसको लेकर दिव्यांगों ने तिकोनिया पार्क में बैठकर भूख हड़ताल की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी दिव्यांगों को आवास नहीं मिले हैं। सरकारी कर्मचारी है तो भरोसा देते, जे चाहे तो मिल भी जाए आवास,
लेकिन जब तक मैं नहीं उठेगा अंतर पे, जब तक मुझे आवास नहीं मिलेगी, तत्काल मुझे आवास मिले, और देहात में आवास मिल नहीं रहे और सूची गड़बड़ कर रही है, तो हमारा मतलब सरकारी कर्मचारी जाके ये मुझे यहाँ डीएम मुझे ये है कि हम लोग मतलब हम लोगों को ये आश्वासन दे दिया जाता है कि आपको मिलेगा आवास, और फिर डेट भी दे दी जाती है, कुछ भी नहीं होता है। हम लोग तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हम लोगों को मतलब क्लियर ये नहीं हो जाएगा कि हाँ मिलेगी मिलेगी, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। वो करताल पे बैठे हैं, ऐसे ही बैठे रहेंगे। उन्नाव के थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिशों में गोली चली है। बता दें कि खेत से युवक घर लौट रहा था, तभी रास्ते में दबंगों ने युवक पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर घायल युवक घर लौटा था, पुरानी रंजिश के चलते ये गोली मारी गई है। तो पुरानी रंजिश के चलते गोली मारी गई है, उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं। खेत से लौट रहा था युवक और तभी युवक पर गोली मारी गई। जालौन में पांच ये पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है, उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं। उधर जालौन में 5 वर्षीय मासूम बच्चे का झाड़ियों में शव मिला है, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची और फोरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं एसपी और सीओ घटनास्थल पर पहुंचे हैं। फिलहाल फोरेंसिक टीम तमाम साक्ष्य जुटाने में लगी है। उधर राजधानी लखनऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद देखे जा रहे हैं। ताजा मामला सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के खुरदरी बाजार का है। एटीएम काटकर बदमाशों ने बड़ी संख्या में लूट को अंजाम दिया, बड़ी तादाद में। और वहीं बदमाशों की इस करतूत ने जागरूक पुलिस प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है, जहां इतनी बड़ी लूट हो गई और पास के एससीएल चौकी इंचार्ज से लेकर इंस्पेक्टर को तक इसकी भनक तक नहीं लगी। बताया जा रहा है कि लग्जरी कार में आए बदमाश करीब 40 लाख नकदी एटीएम से लूट कर ले गए। एटीएम काटकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। बदमाशों के हौसले किस तरह से बुलंद हैं आप साफ तौर से देख सकते हैं। उधर हमीरपुर से खबर सामने आई है, जहां पर अपना एक बच्चा अपने घर से 12 बोर का तमंचा ले आया। बता दें कि खेल खेल में अवैध तमंचे से बच्चे से गोली चल गई, जिसके छर्रे से 5 बच्चे घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घटना की सूचना के बाद पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी है। एक मासूम बच्चा खेलते खेलते एक अपना तमंचा, अवैध तमंचा था, जो घर से लाया और गलती से गोली चल गई और इसमें छर्रों से 5 बच्चे मासूम बच्चे घायल हो गए हैं। पुलिस परिजनों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया है। अलीगढ़ से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। मां के साथ शौच को गई युवती को बाइक सवार दबंग लेकर फरार हो गए, जिसके बाद मां ने गांव के ही पड़ोसी युवक पर शक जताया है। स्थानीय पुलिस के कार्यवाही ना करने पर महिला ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं एसएसपी ने अधीनस्थों को बेटी खोजने का आदेश दिया है। अलीगढ़ से खबर जहां पर युवती के अपहरण का मामला सामने आया है। दबंगों ने युवती का अपहरण किया। और हरदोई से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर जिंदा जलाने का आरोप लगाया है। बता दें कि ससुर की मौत के बाद ससुर का फंड और जमीन में कोई हिस्सा नहीं मिलने पर विवाद हुआ था, जिसके बाद सास और देवर ने महिला पर डीजल डालकर मारने की कोशिश की। महिला के शोर शराबा करने पर भीड़ जमा हो गई। इसी मौके का फायदा उठाकर महिला भागकर थाने पहुंच गई। बताया जा रहा है कि महिला की तहरीर के बाद पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी है। मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला साणी थाना क्षेत्र के संग चौकमऊ गाँव का है। तो बहू को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है, हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं। ससुराल पक्ष पर जिंदा जलाने का आरोप है, बहू को जिंदा जलाने का आरोप है।
मुरादाबाद से खबर आई है जहां पर दिल्ली के बिल्डर अमित गुप्ता की हत्या के मामले में मैक्सिको से गिरफ्तार किए गए गैंगस्टर दीपक पहलवान पर एफआईआर दर्ज हुई है। गैंगस्टर दीपक पहलवान उर्फ बॉक्सर का पासपोर्ट अवैध तरीके से मुरादाबाद के पते पर बनने से हड़कंप मच गया, जिससे अपना नाम रवि अंतिल दर्शकर कोकरपुर का निवासी बताकर बनवाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि बरेली पासपोर्ट ऑफिस से आए दस्तावेजों से पते की तस्दीक करने वाले सिपाही अमित सिंह को निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच के लिए थाना छजलैट पहुंची थी। वहीं दीपक पहलवान के खिलाफ गंभीर धाराओं में थाना छजलैट पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं। तो बॉक्सर को मैक्सिको से गिरफ्तार किया गया है, ये खबर आपको बता रहे हैं। गैंगस्टर दीपक पहलवान पर एफआईआर दर्ज है। एक व्यक्ति हैं दीपक पहल, इनके द्वारा एक फर्जी पासपोर्ट बनवाया गया है रवि अंतिल के नाम से, जिसमें इनके विरुद्ध थाना छजलैट में एफआईआर भी पंजीकृत की गई है। और जो पासपोर्ट बनाने वाले जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको इसमें अभी निलंबित किया गया है। और इस पूरे प्रकरण की जो जाँच है वो SPRA को दी गई है, और उनके द्वारा जाँच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी के आधार पर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी इसमें जिन लोगों के द्वारा जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करके जो पासपोर्ट बनाया गया है उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत इसमें कर लिया गया है, और मुकदमा पंजीकृत करने के बाद में जो लोग हैं उनकी जांच पड़ताल इसमें की जा रही है और इनकी शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी की। और इधर बिजनौर से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। तेज रफ्तार में चलती रोडवेज बस का स्टीयरिंग फेल होने की वजह से बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बस अनियंत्रित होकर हाईवे के डिवाइडर से टकरा गई और सड़क हादसे के बाद बस के परखच्ची उड़ गए हैं। 6 यात्री सवार थे जिन्हें CHC में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि रोडवेज बस कालागढ़ से दिल्ली जा रही थी। ये पूरा मामला थाना अफजलगढ़ के NH 74 मार्ग का है। बलिया से खबर, जहां पर गेहूं की फसल में आग लग गई। अज्ञात कारणों के चलते फसल में आग लगी है और फसल जलकर खाक हो गई है। आग की चपेट में कई एकड़ गेहूं की फसल आई है। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। नरही थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है बलिया का। तस्वीर आप देख सकते हैं, आगजनी की तस्वीरें, यहां पर खड़ी फसल में बलिया में आग लगी है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, और इस आगजनी की घटना में किसानों का नुकसान हुई भारी भरकम हुआ है। आवाज संभल की, जहां पर एक ग्रामीण ने थाने के सामने ही जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि बेटी से छेड़छाड़ और मारपीट के बाद पुलिस पीड़िता और उसके परिजनों को ही बंद करने की धमकी समेत प्रताड़ित करने लगी, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने थाने के सामने ही जहर खाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर दो आरोपियों को हिरासत में लेने का दावा किया है। थाने के सामने ग्रामीण ने आत्महत्या की है। पुलिस ने परिजनों को बंद करने की धमकी दी है। कल दिनांक 3 अप्रैल को थानापुर फतेहगढ़ के ग्राम डारनी में एक ही समुदाय के दो परिवारों के मध्य कासुनी की घटना कारित हुई। इसके पश्चात अगले दिन दोनों पक्ष थाने पर पहुंचे और थाने पर दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। तत्पश्चात जब एक पक्ष के श्री जयपाल पुत्र श्री शिव सहाय घर पहुंचे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि दूसरे पक्ष अतर सिंह एवं जगतपाल द्वारा उनके पुत्री के साथ छेड़छाड़ की घटना कारित की गई है एवं उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। इससे आहत होकर उनके द्वारा जहरीला पदार्थ खा लिया गया। तत्पश्चात उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया गया जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु कारित हो गई। दोनों नाबालिगों को हिरासत में ले लिया गया है। शीघ्र ही साक्ष्य संग्रह करते हुए साक्ष्य के आधार पर अग्रिम विधि। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है, आप देखते रहे इंडिया वॉइस।